नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर NS160 के बारे में। और आज मैं इसका एक फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। बाकी इसमें आपको क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिल रहा है, कितना प्राइस है और कितना कलर वेरिएंट के साथ आपको ये NS160 2023 में देखने को मिल रहा है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू विशाखा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप विशाखा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो अपडेट देखने को मिल रहा है वो है इसका कलर। तो नया आपको दो कलर देखने को मिल रहा है। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये है आपका पर्ल मेटालिक व्हाइट और एक कलर है आपका इबोनी ब्लैक। तो दोनों कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। अपडेट क्या क्या मिला है ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या अपडेट मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन फोक दी गई है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS दिया गया है NS160 में भी। और ये फ्रंट का जो डिस आप देख पा रहे हो ये भी टोटली चेंज हो चुका है। ये रिम पहले से लाइट वेट हो चुका है, पूरा N250 वाला रिम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नया ग्राफिक आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे नया हो चुका है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सारा चीज़ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसका जो रियर टायर है ये भी पहले से मोटा हो चुका है। तो चलिए एकदम फ्रेश इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। अभी इसका जो प्राइस है वो है 1,34,675 रुपीज़ अप्रोक्स एक शोरूम प्राइस। और ऑन रोड प्राइस अगर आपको जानना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप विशाखा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइक का चाबी से। तो चाबी यहाँ पे आपको नॉर्मल की दी गई पल्सर के ब्रांडिंग के साथ। इग्निशन को यहाँ पे ऑन करते तो फर्स्ट आप यहाँ पे जैसे इग्निशन को ऑन करते हो सामने में आपका जो मेन हेडलाइट सेटअप है ये आपको यहाँ पे जलता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे तब इसका मेन हेडलाइट सेटअप ऑन होता है। और यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप दी गई, उसके साथ साथ दो पायलट लैंप भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और बल्ब ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये हेडलाइट सेटअप में आपको कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ये साइड का जो आप स्टिकरिंग वगैरह देख पा रहे हो यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर फिनिश में स्टिकरिंग दी गई है। सामने में यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा। मेन चेंज आपका ये सस्पेंशन के ऊपर से आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशन यहाँ पे आपको 33mm डायमीटर का अपसाइड डाउन फोक दी गई है। उसके साथ साथ फाइबर का मडगार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश के साथ। मडगार्ड के ऊपर आपको डुअल चैनल ABS का ब्रांडिंग भी दिख रहा होगा। और ये जो आप डिस्क देख पा रहे हो ये है आपका 300mm का डिस्क विथ डुअल चैनल ABS के साथ। ग्रेमिका का कैलिपर यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है NS160 में, प्लस NS200 में आपको ग्रेमिका का कैलिपर अभी देखने को मिलेगा। एंड्योरेंस का सस्पेंशन है। उसके साथ साथ फ्रंट जो टायर है ये भी पहले से मोटा हो चुका है। तो अभी जो आपको टायर मिल रहा है वो है 100x80/17 का। आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दी गई MRF नाइलो ग्रिप जैपर की तरफ से। और ये जो आप रिम देख पा रहे हो ग्रे कलर में रिम देख पा रहे हो, ये रिम भी पहले से लाइट वेट हो चुका है। मतलब पहले वाला जो रिम था उससे लगभग दो रिम मिला के 1 kg के आसपास आपका रिम के ऊपर से वेट रिडक्शन करा गया है। वैसे इसका वेट जो है पहले से तो कम हुआ है काफ़ी चीज़ के कारण, बट अगर नेट वेट की बात करें तो 1 kg वेट इसका बढ़ चुका है पहले से। मतलब अभी इसका वेट है 152 kg इस बाइक का वेट है। पहले आपका वेट था 151 kg, बट रिम का वेट पहले ज़्यादा था, अभी रिम के ऊपर से वेट को रिड्यूस करा गया है। बट ये आपका USD सस्पेंशन, मोटा टायर, ये सब की वजह से इसका वेट जो है 1 kg पहले से बढ़ चुका है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है पल्सर का। यहाँ पर आपको 3D क्रोम, ये एक्चुअली आपका डार्क क्रोम यहाँ पे फिनिश दी गई है, ये आप देख पा रहे हो। डार्क क्रोम फिनिश के साथ आपको यहाँ पे पल्सर का ब्रांडिंग दिख रहा होगा। उसके साथ साथ नया स्टिकरिंग आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। और ये जो 160 का आप ब्रांडिंग स्टिकरिंग देख पा रहे हो ये एक्चुअली नाइट के टाइम पर जलता है। और यहाँ पर आपको टैंक पैड तो देखने को मिल ही जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी सारा चेंज करा गया है। लाइक यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल रहा है, इधर आपका इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑटो में रह के आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट को दबाओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको Trip 1 में अगर देखना है, Trip 1 यहाँ पे आपको दिखाएगा। Trip 1 में आप अगर सिलेक्ट को दबाओगे Trip 1 में आपको कितना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है वो आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ट्रिप टू में आपको कितना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो भी देखने को मिलेगा, और डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको दिख रहा होगा, सर्विस रिमाइंडर वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो साइज 10 की रहा है वो भी दिख रहा होगा, साइज यहाँ पे आपका सर्विस रिमाइंडर यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। और इधर आपका बीच में है टैकोमीटर एनालॉग जो आपको पहले भी देखने को मिल रहा था, ABS का सिग्नल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इधर है आपका फ्यूल गेज, इधर टेल लाइट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल का सिग्नल, इंडिकेटर का सिग्नल, बैटरी लाइट, यहाँ पे आपका हाई बीम का सिग्नल, ऑयल चेक लाइट, इंजन माल फंक्शन, बजाज का लोगो, और यहाँ पे आपको मिलता है हाई शिफ्ट RPM लिमिटर का सिग्नल। ओके, और हैंडल बार वही सेम है, आपको यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। बाकी यहाँ पे बैकलाइट स्विच पैनल देखने को मिल जाएगा जो बाइक स्टार्ट करने के बाद ऑन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैकलाइट स्विच पैनल, और एग्जॉस्ट वही है अंडर व्हील एग्जॉस्ट, इसका एग्जॉस्ट नोट आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। रिफाइनमेंट के बारे में मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर करूँगा क्योंकि इसका राइड रिव्यू आपको बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एम्बार्गो है 25 मार्च को, मैं लगभग 25 या फिर 26 मार्च को आपके लिए इसका राइड रिव्यू बनाऊंगा। इंजन की तरह बात है, इंजन की अगर बात करो तो इसमें आपको 160.3 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 कम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4-valve इंजन दी गई, जिसमें आपको लगभग 17.2 PS का पावर मिलता है और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। उसके साथ साथ आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पेडिमीटर फ्रेम भी देखने को मिलेगा। और इसका अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। नीचे आपका यहाँ पे फाइबर में इंजन काउल भी दी गई है। उसके साथ साथ इस बाइक का वेट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 152 kg इस बाइक का वेट है। और यहाँ पे फुटबैक वगैरह आप देख पा रहे हो, मिडिल स्टैंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स कटिंग स्विंगम पीछे में दिख रहा होगा, मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर। उसके साथ साथ यहाँ पे सीट आप देख पा रहे हो, राइडर का सीट डेफिनेटली कम्फर्टेबल है, वाइड भी है, उसके साथ साथ सॉफ्ट भी है। पिलियन का सीट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्प्लिट ग्रैब रेल पीछे में आपको यहाँ पे दी गई, इनएस 160 का स्टिकरिंग आपको दिख रहा होगा। और रियर डिस्क की अगर बात करें तो 230 mm का आपको डिस्क मिलता है। उसके साथ साथ ग्रेमी का कैलिपर आपको रियर में भी देखने को मिलेगा, और डुअल चैनल ABS है तो पीछे में भी आपको ABS देखने को मिलेगा। और रियर जो टायर है ये पहले से और भी ज़्यादा मोटा हो चुका है, तो 130/70/17 का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है हमारे नाइलो ग्रिप ज़ेपर की तरफ से। और ये वही लाइट वेट रिम है, रिम के साइड पे आपको स्टिकरिंग भी दिख रहा होगा, इधर टायर हगर दी गई है। टेल लाइट एक बार मैं आपको, अभी टेल लाइट देखिए ये ऑन नहीं होगा, जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं करो तब तक ये टेल लाइट भी ऑन नहीं होता है। LED टेल लाइट बेसिकली आपको यहाँ पे दी गई है, उसके साथ साथ बल्ब ब्लिंकर्स यहाँ पे दिख रहा होगा, और इधर आपका टेल लाइट कंपनी फिटेड आपको दिख रहा होगा। नंबर प्लेट का लाइट वो भी आपको यहाँ पे बल्ब में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको टोटल 3 रिफ्लेक्टर रियर के पोर्शन में देखने को मिलेगा। इधर है आपका साड़ी गार्ड अंदर की तरफ है, और ये है आपका लेडीज फुट रेस्ट जो आपको कंपनी फिटेड लगा हुआ देखने को मिल रहा है। और ये है आपका ओपन चेन, तो चेन को आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ेगा। 5-speed गियरबॉक्स है, आपको यहाँ पे सिर्फ टो शिफ्टर मिलता है, साइज 10 विथ साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और यही अपडेट है, मिरर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करा था इनएस 160 के ऊपर इतना सारा अपडेट मिलेगा, 160 cc में अपसाइड डाउन फोक डुअल चैनल ABS, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया अपडेट है। और इसका बहुत जल्द राइड रिव्यू आने वाला है, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आपको ये नया अपडेट कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसका फुल राइड रिव्यू के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं इसका फुल राइड रिव्यू के साथ। टाटा बाय।